दोस्तों वैसे आपने मैगी बहुत बार ही खाया होगा और मैगी बहुत इंस्टेंट बन जाता है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मैगी, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही हेल्दी के साथ बहुत ही टेस्टी बनेगा। दोस्तों आप ये वाले मैगी को सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा, कुक विद कृष्णा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बनाते हैं मैगी। मैगी बनाने के लिए हम लेंगे 2 छोटा पैकेट वाला मैगी, 2 अंडा। दोस्तों अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप अंडा मत डालना। 1 बड़ा चम्मच स्वीट कॉर्न, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 छोटा कटा हुआ टमाटर, 1 छोटा कटा हुआ प्याज, 1 छोटा कटा हुआ गाजर, 1 कटा हुआ हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ बीन्स, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया के पत्ते। अब हम करेंगे गैस चालू और पैन को गरम और डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। जब ऑयल गरम हो जाए तब हम मीडियम फ्लेम पर सबसे पहले डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जब जीरा तड़कने लगे तब हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब हम प्याज को चलाकर भून लेंगे। दोस्तों हम प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे। अब हम डालेंगे कटा हुआ हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम चलाकर अच्छी तरह से अदरक लहसुन को भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब हम सारे कटे हुए वेजिटेबल्स को पैन में डाल देंगे। अब अच्छे से चलाकर वेजिटेबल को भून लेंगे। दोस्तों वेजिटेबल्स को 2 मिनट तक पका लेंगे। अब हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ढक्कन लगाकर वेजिटेबल्स को 2 मिनट तक पका लेंगे। अब हम डालेंगे मैगी के साथ आने वाला मसाला। दोस्तों हमें कोई भी अलग से एक्स्ट्रा मसाला डालने का जरूरत नहीं है। अब अच्छे से वेजिटेबल्स और मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 2 कप पानी और मिक्स कर लेंगे। अब ढक्कन लगाकर बॉयल आने तक पका लेंगे। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे मैगी। अब हम मैगी को चलाकर 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। अब लास्ट में मैगी में डालेंगे कटा हुआ धनिया के पत्ते। दोस्तों अब चलते हैं अंडा बना लेते हैं। अब करेंगे एक और दूसरा पैन को गरम और डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। अब हम अंडे को तोड़कर ऐसे ही पैन पर डायरेक्टली डाल देंगे। अब हम ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट तक अंडे के एक साइड को ही पका लेंगे। लास्ट में अंडे पर डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक।
अब हम पकाया हुआ अंडे को मैगी पर डाल देंगे। बस दोस्तों, ये हमारा टेस्टी मगर थोड़ा अलग तरीके का मैगी बनकर तैयार है। आप इस तरीके से मैगी को एक बार ज़रूर बनाकर खाना और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।